एनवायरमेंट से जो मिलने वाला, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा पानी सब कुछ खराब हो चुका है, हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते थे, शाम को 7-7:30 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था, और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे, तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे, और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4-4:30-5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे, तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे, जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी, तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था, तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध मिलती थी, क्योंकि सुबह जब वो उड़ जाते थे तो उनको ओजोन ऑक्सीजन विद फार इंफ्रारेड मिलता था। जमीन के ऊपर नंगे पैर, क्योंकि उस टाइम जूता चप्पल का कोई जमाना था, नंगे पैर जमीन से चलते थे, खेतों में काम करते थे, सब फिजिकल काम होता था, तो लोग कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी सैकड़ों टाइप की बीमारियां दुनिया में है, और आमतौर पर इंसान का शरीर कुदरत ने 125 से 150 साल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40, 50, 65, 70 में खत्म और बर्बाद कर देते। मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती, क्योंकि ये 5 तत्व आज हमें नहीं मिले। हमारे शरीर को ये 5 तत्व चाहिए, छठवां कोई भी तत्व हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए 5 तत्व चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां हम लोग ला रहे, वो हमारे शरीर की बिल्कुल भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज ये 5 तत्व नहीं मिलने के कारण वो केमिकल और ड्रग्स हम लोग हमारे शरीर में डाल के और केमिकल डाल रहे, और दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी सिंगल वारंटी गारंटी कभी नहीं देता। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देता, बल्कि अगर कोई सर्जरी करने आप जाते हो, जैसे हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी की सर्जरी, या कोई भी तमाम सर्जरी आप करने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे लिखा के लेता है कि मरने की 100% गारंटी, जीने की 1% भी गारंटी नहीं। तो गारंटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक प्रिंटर था, और उसका एक भाई था जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसकी सैलरी थी 22,000 उम्र के 57 साल पे, और ऐसे ही घर में चलते चलते वो चक्कर आके गिर गया। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट किया तब वो कोमा में चला गया, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलती गई। तकरीबन वो 16 से 17 दिन वो कोमा में रहा। 18 से 19 लाख रुपए का बिल बना, घर वालों ने पूरा का पूरा बिल दिया, जिसको 22,000 सैलरी और 17-18 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो बच नहीं सका। तो ये समझने वाली बात है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन को समझो। हार्ट अटैक आने के बाद बाईपास करने के लिए 5 लाख रुपए आप आंख बंद करके दे, तो पहले से प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंशन प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट सबसे पहला, जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहला इसको यूज करना है, और जो अनहेल्दी उसने तो यूज करना ही करना है। तो ईच एंड एवरी पर्सन ने इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करना है एज अ प्रिवेंशन, एज अ हीलिंग। ये आपके बॉडी को हील करके आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिवर्स करने की कोशिश करें। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और मैग्नेटिक पानी पी लिया और ब्रेसलेट बांध दिए तो आप ठीक ठाक होकर भागना शुरू करोगे। टाइम लग सकता है, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, ओके? लेकिन मैग्नेट अपने शरीर में काम करता है, फिर आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है वो सब, तो बाकी की सारी चीजें है, आपका रहन सहन, ये वो बहुत सारी उसमें और भी 40 चीजें आती है। तो मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। मैग्नेटिक प्रोडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ये धरती तल पर जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरी इंसान को, आगे जाके तो हम लोग एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेट आपके बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है, तो सबसे पहले वो आपके बॉडी के अंदर का जो केमिकल टॉक्सिक है, जो खाने के जरिए, पीने के जरिए, हवा के जरिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाता है, उस टॉक्सिन को भी ये बायोमैग्नेटिज्म ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे, तो सालों साल वो टॉक्सिन आपके शरीर में ही जमा रहेगा,
शरीर में ही सड़ता रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वायरस का सबसे पसंदीदा फूड अगर कुछ है तो है आपके शरीर का टॉक्सिन। जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन उतना वायरस आपके शरीर में इजीली एंटर करेगा और आपके बॉडी को खत्म कर देगा। आज जो हम लोग मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद के लेकर आ रहे हैं ना, वो दवाइयां तो हमारी रियल डेफिशिएंसी है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, बस इतना समझना है कि हमारे शरीर को चाहिए क्या। हमारे शरीर को तो सिर्फ पंचतत्व ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को हेल्दी और जिंदा रहने के लिए पंचतत्व चाहिए। लेकिन आज मेडिकल स्टोर में हम लाइन लगा के हजारों रुपए की केमिकल की दवाइयां लेकर आते हैं, वो केमिकल हमारे शरीर में हम डालते हैं। आज गली गली में 100-100 फीट पे मेडिकल स्टोर है, उसका क्या कारण है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचतत्व, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिज्म को समझना जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी दवाइयां लो, अच्छे से अच्छा डाइट लो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस लो, आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेगा। दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर खराब है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो आप कितना भी अच्छा डाइट लेंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और बायोमैग्नेटिज्म को डिप में जाके समझो। आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर आना है तो इसका स्टडी करो जाके। ये मैं कह रहा करके नहीं, मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक्स अवेलेबल है, अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। पहले उसको स्टडी करो। अगर प्रॉब्लम को बाय रूट खत्म करना है तो मैग्नेटिज्म को, ब्लड सर्कुलेशन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को हमें समझना होगा, पंच तत्वों को हमें समझना होगा, नेचुरल थेरेपी को हमको समझना होगा, हमें कुदरत के पास जाना होगा। आज हम ईच एंड एवरी पर्सन एंटी नेचर रह रहे, कुदरत के खिलाफ हम लोग रहते, तब जाके हमारा 125-150 साल टिकने वाला बॉडी आज हम 40-50-55 में खत्म और बर्बाद कर देते। तो ये सब चीजों को हमको समझना है। आज खाने के जरिए केमिकल, पीने के जरिए केमिकल, हवा के जरिए केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, उस केमिकल टॉक्सिन को बाहर निकालने में मैग्नेटिज्म का और ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसको डीप में जाके समझते हैं हम लोग। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, अर्थ ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज करती है, उसके पेट के अंदर का जो आउटर कोर है वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है। जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे उसके अंदर भी हम लोग बायोमैग्नेटिक यूज करते हैं। बायोमैग्नेट ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के कारण हमारा बॉडी 10-100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करते। उसके मैकेनिज्म और फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर, और जो हम आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे जो आज आपको नहीं मिल रहे, जो मैग्नेटिक पावर आज आपको कम मात्रा में मिल रही है, उसको फुलफिल करने का काम हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स कर रहे। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे पास 30-32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है, और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमारा कंप्लीट शरीर ब्लड सेल से बना है, और हमारे शरीर का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। हमारा शरीर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी